तो जैसा कि इसरो बारी बारी से जो न्यूज़ जारी कर ही रहा है अपने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया साइट पे कि रोवर अपने पूरी तरह से कार्यरत है अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने में। और जैसा कि पहले मैंने बताया था कि हमारी ये समय के खिलाफ दौड़ है, क्योंकि 14 दिनों का मिशन था, हम तीसरे दिन लैंड हुए थे तो वैसे ही समय कम था हमारे लिए। और शुरुआत में हमको रोवर के मूवमेंट में तकलीफ हुई थी, क्योंकि हमको उतना समय नहीं मिल पा रहा था जो अवेलेबिलिटी थी अर्थ स्टेशन की, और खासकर JPL का गोल्ड स्टोन स्टेशन अवेलेबल नहीं था उसके कारण। अभी भी अवेलेबल नहीं है, बट उसके कारण हमको बहुत ही ऑप्टिमल वे में ऑर्गेनाइज करना पड़ता है रोवर का जो मूवमेंट है, क्योंकि ऐसे ही हम रोवर का मूवमेंट नहीं कर सकते, उसको अच्छी तरह से प्लानिंग करके ही रोवर पाथ प्लानिंग करना पड़ता है और उसके बाद रोवर का मूवमेंट होता है। तो ये देखते हुए ये ऑपरेशन काफ़ी क्रिटिकल होता है। तो रोवर अभी तक ये इतने दिनों में, और अब हमारे पास समय है 3 सितंबर शाम तक का, तो अभी समय काफ़ी कम बचा है। तो अभी तक लगभग 65-70 मीटर तक मूवमेंट हो चुकी है। हमारा इनिशियली प्लान ये था कि हम एक दिन में 30 मीटर तक चला पाए, एक साथ वो 5 मीटर चलता है, तो ऐसा 6 बार अगर हम ऑपरेशन करते हैं दिन में तो 30 मीटर तक मूवमेंट हो सकता है, बट इतना हम कर नहीं पा रहे हैं कुल। तो अभी तक 60-65 किलोमीटर चला है, तो उसमें अलग अलग ऑब्जर्वेशन किए जो उसके दो पेलोड है, लिब्स और APXX, तो उससे वहाँ की जमीन की, वहाँ की सॉइल की काफ़ी इम्पोर्टेंट माहिती हमको मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिसके कारण जैसे कि सल्फर का जो प्रोमिनेंट लाइन दिखी है स्पेक्ट्रोग्राफ में, तो वो दोनों सेंसर ने कोरोबरेट भी किया है, दोनों सेंसर से पता लगा है हमको। और इसके अलावा ऑक्सीजन के ट्रेस मिले हैं और अलग अलग जगह पे ऑब्जर्वेशन जारी है जहाँ जहाँ रोवर का मूवमेंट हो रहा है। तो ये तो हुई बात की जो एक्सपेरिमेंट हम रोवर से कर रहे हैं। इसके अलावा जो लैंडर पे 4 सेंसर लगे हैं, उसमें रंबा से प्लाज्मा इमिशन और चास्टे से इसका थर्मल एक्टिविटी रिलेटेड हमको पता लगता है, जैसा कि आपने देखा -10 से लेके +50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर का वेरिएशन देखा गया, सतह से लेके अंदर जमीन में 10 सेंटीमीटर तक। और इसके अलावा जो लेजर रिफ्लेक्टर एरे है जिसके कारण चंद्र और पृथ्वी की दूरी में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसकी जानकारी हम पा सकेंगे, जो कि विषुवत वृत्त से हमको पहले ही मिल चुकी है कि चंद्र हमसे दूर जा रहा है लगभग 1 साल में 1.8 इंच जैसा। तो ये सब हमको साउथ पोल से कोरोबरेट करना है। और इसके अलावा जो सिज्मिक सेंसर था जिसके कारण मून जैसे अर्थक्वेक होते हैं ऐसे मून क्वेक के बारे में पता लगेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन लेना अभी जारी है। वो डेटा कलेक्ट अभी तो जोर है कि इस पे दिया जा रहा है कि हम अधिक से अधिक डेटा कलेक्ट कर लें और उसका एनालिसिस और उसके बारे में फिर विश्लेषण बाद में पृथ्वी पर करते रहेंगे। सर, मून क्वेक जैसी कोई जानकारी सामने आई है अभी? मतलब आपने बोला इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो नहीं, इन जनरल ऐसा अनुमान है कि मून पे क्योंकि कई बाहर के एस्टेरॉइड और उसका भी गिरते रहते हैं, तो उसके कारण मून पे ये सिज्मिक मूवमेंट जो जमीन में वो आता है वाइब्रेशन वो आते रहते हैं, तो उसकी पुष्टि अभी करना आधिकारिक तौर पे बाकी है, बट वो डेटा कलेक्ट करके हम फिर उसका एनालिसिस करके ठोस रूप से बता पाएंगे कि किस तरह की सिज्मिक एक्टिविटी वहाँ पे चल। सर, कितना टारगेट था कि प्रज्ञान रोवर 14 दिन में कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा, और मतलब क्या टेक्निकल हाँ, सेस? पहले जैसा कि हमारा प्लान था कि ये रोवर लैंडर के आजू बाजू 500 मीटर तक घूम सकता है, तो हमारा प्लान ही था कि एक दिन में 30 मीटर तक चला पाए तो लगभग 300 मीटर तक मूवमेंट हम कर पाएंगे, 350-350 ये जो भी हमारे पास समय अवेलेबल था लैंडिंग के बाद, बट इतना हो नहीं पाया है अभी तक। तो लगभग 70 मीटर तक हम मूवमेंट कर पाए, 65 से 70 मीटर तक, और उसको और बढ़ाने के प्रयास जारी है। अभी हमारे पास कल और परसों का दिन बचा है, तो उसमें जितनी मूवमेंट कर पाए वो करेंगे और उसको अधिक से अधिक घुमाने की कोशिश की जाएगी।